हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले कॉम्प्लिकेटेड इशू के बारे में, भाई डीजल एंड पेट्रोल का प्राइस। डीजल का पेट्रोल प्राइस में हमने बहुत ज्यादा स्पाइक देखा, कुछ कुछ जगह में तो पेट्रोल ने 100 भी टच किया। इस प्राइस हाइक के पीछे क्या क्या रीजन है? हालांकि बेसिक रीजन तो हम सब जानते हैं, वह क्रूड का बढ़ना, लेकिन क्रूड का बढ़ना ही मेन रीजन नहीं है इस प्राइस हाइक के पीछे। एंड इन अपकमिंग फ्यूचर डीजल एंड पेट्रोल का फ्यूचर क्या होने वाला है, सारी चीजों को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे एंड प्रेडिक्ट भी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो डीजल एंड पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इसको समझने के लिए हमको इकोनॉमी के कुछ पॉइंट्स एंड फैक्टर्स को भी समझना होगा, जिसे हम बहुत ही आसान एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। तो इससे पहले हम जान लेते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यूज कमाता है वो आता कहाँ से। गवर्नमेंट रेवेन्यूज का 53% आता है टैक्सेस से, 36% आता है बोरोइंग्स के जरिए, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू जो पैसा उधार लेती है उससे भी उनको 36% का रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड 6% जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है वो आता है डिसइन्वेस्टमेंट से, जिसके बारे में भी गवर्नमेंट बहुत ही डिस्परेट है। जैसे कि हमने बीपीसीएल, एयर इंडिया, फ्यू पीएसयू बैंक्स एंड एलआईसी के प्राइवेटलाइजेशन के बारे में भी हम सुन रहे हैं, जो भी एक डिसइन्वेस्टमेंट ही है। एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेलवे के कंपनीज में भी अपना स्टेक को सेल करना शुरू कर दिया है थ्रू आईपीओ। एंड बाकी का 5% जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट से। सो मैक्सिमम रेवेन्यू गवर्नमेंट का आता है टैक्सेस से। पैंडेमिक के टाइम क्या हुआ था, पैंडेमिक के टाइम इकोनॉमी पूरी तरह से क्लोज हो गया था, बहुत सारे बिजनेस पूरी तरह से शट डाउन हो गए थे फॉर 3-4-5 मंथ। सो इस टाइम गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्सेस का भी लॉस हुआ एंड लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, यानी कि जीएसटी कलेक्शन जो थे वो भी बहुत लॉस थे, जिस कारण गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन बहुत घट गया था, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे। एंड उस टाइम क्रूड ऑयल का प्राइस भी बहुत गिर गया था, एक टाइम तो क्रूड ऑयल का प्राइस 20 से भी नीचे आ गया था। एंड गवर्नमेंट ने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने का सोचा। एंड गवर्नमेंट ने मार्च से मई तक पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, पेट्रोल में 13 रुपीज एंड डीजल में ऑलमोस्ट 16 रुपीज का एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। यानी कि पेट्रोल का एक्साइज ड्यूटी जो पहले 20 रुपीज के लगभग था वो बढ़ के 33 हो गया। एंड कई सारे स्टेट ने इस टाइम वैट को भी बढ़ा दिया, जैसे कि महाराष्ट्र में जो वैट है वो 2 रुपीज बढ़ गया पर लीटर। सो अब सवाल उठता है कि एक्साइज ड्यूटी एंड वैट किसको जाता है। सो पेट्रोल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। प्रेजेंटली अगर हम एक्साइज ड्यूटी देखें ऑन पेट्रोल वो है 32 रुपीज 90 पैसा, यानी 32 रुपीज 90 पैसा जो है वो गवर्नमेंट को जाता है फ्रॉम 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एंड अगर हम वैट देखें तो राजस्थान में जो वैट है वो है 36% एंड वो जाता है राजस्थान गवर्नमेंट को। अगर हम पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस देखें वो होता है बहुत ही कम, अगर हम फेब्रुआरी का एवरेज पेट्रोलियम प्राइस देखें टिल टूडे वो होता है 32 रुपीज, जिसमें हम डीलर का कमीशन ऐड कर दे 4 रुपीज पर लीटर, तो पेट्रोल का प्राइस निकलता है 36 रुपीज। लेकिन हम कितना पे कर रहे हैं, कुछ स्टेट में 90, कुछ स्टेट में 96, यानी जो करंट प्राइस है ऑलमोस्ट उसका 3 गुना जो है वो हम पे कर रहे हैं, यानी 1/3 जो है वो पेट्रोल का एग्जैक्ट कॉस्ट है एंड जो 2/3 है वो हम एज ए एक्साइज ड्यूटी और जी वैट पे कर रहे हैं टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि बहुत ज्यादा है। और जिस टाइम ये एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया उस टाइम किसी का ध्यान ही नहीं गया पेट्रोल डीजल की तरफ, क्योंकि मैक्सिमम जो ये हुआ था वो लॉकडाउन के टाइम होता है, लॉकडाउन के टाइम लोग घर पे ही थे तो लोगों ने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया इस फैक्ट को। एंड गवर्नमेंट ने इसी का फायदा उठाया। एंड उस टाइम क्रूड का प्राइस भी बहुत कम था, यानी कि उस टाइम गवर्नमेंट को यह करना था कि पेट्रोल डीजल का प्राइस और भी घटाना, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया, पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा दिया। एंड जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस वहां से बाउंस बैक किया, यानी कि 20 से डायरेक्ट 40 चलाया एंड 40 में भी बहुत टाइम सस्टेन किया, तब तक तो ठीक था क्योंकि उस टाइम पेट्रोल का प्राइस 80 से 85 के बीच चल रहा था। लेकिन जब क्रूड का प्राइस बढ़ के $66 आ गया उस टाइम गवर्नमेंट को इस प्राइस को मेंटेन करना बहुत ही टफ हो गया। एंड फिर हमने पेट्रोल के प्राइस पे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखा एंड देखते ही देखते वो 100 भी टच कर गया। अब जाके लोगों को ये रियलाइज हुआ कि पेट्रोल और डीजल में वो कितना ज्यादा प्राइसेस पे कर रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी एंड बहुत सारे लोगों ने इस चीज का प्रोटेस्ट भी किया एंड गवर्नमेंट को प्राइस में कट करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया, ताकि गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट ना करंटली उस सिचुएशन में नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वो कट करे, क्योंकि अगर एक्साइज ड्यूटी वो कट करता है उसका सीधा सीधा असर गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर भी पड़ेगा। एंड रेवेन्यू अगर घटता है तो बजट में किए गए बहुत सारे प्रॉमिसेस जो है वो गवर्नमेंट के लिए फुलफिल करना मुश्किल हो जाएगा। सो इस चार्ट को देखिए, क्रूड ऑयल का प्राइस एंड पेट्रोल का प्राइस एंड डीजल का प्राइस। सो अगर इस चार्ट को देखें, सो 2003 में क्रूड ऑयल का जो प्राइस था, अभी क्रूड ऑयल का प्राइस उसी लेवल पे है। 2003-04 में मुंबई में पेट्रोल का प्राइस था एवरेज 37 रुपीज पर लीटर,
लेकिन आज भी हम उस 37 रुपीज की जगह 92 रुपीज से भी ज्यादा पे कर रहे हैं फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, क्योंकि इस दौरान एक्साइज ड्यूटी एंड वैट का प्राइस बहुत बड़ा है। सो आप इस ग्राफ में देख सकते हो, हालांकि क्रूड ऑयल के प्राइस में हम डाउनसाइड देख सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के प्राइस में उतना ही हम गैप देख सकते हैं, यानी कि उतना ही अपसाइड हम देख सकते हैं। FY 2014-15 में गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस से 99,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, FY 2016-17 में 2,42,000 करोड़ एंड FY 2020 में 2,39,599 करोड़ रेवेन्यू ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कमा लिया है फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल। गवर्नमेंट को इस टैक्स का बहुत ज्यादा आदत भी लग चुका है। इसी कारण पैंडेमिक के कारण जब दूसरे सोर्सेस से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो गया है एंड पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन भी कम हो गया, उसी दौरान टैक्सेस भी बढ़ाई गई एंड वहां से रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश भी की गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या पेट्रोल डीजल का प्राइस में हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट देख सकते हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल का प्राइस इन फ्यूचर क्या गिरेगा या और भी बढ़ेगा या फिर इसी रेट में सस्टेन रहेगा। सो अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो पेट्रोल डीजल के प्राइस में हम कोई भी डाउनसाइड नहीं देखेंगे इन फ्यूचर। अगर क्रूड का प्राइस इस रेट से गिरता भी है एंड इन फ्यूचर क्रूड अगर $50 की तरफ भी चला जाता है तो मैक्सिमम हम 5 रुपीज का कट देख सकते हैं इन एक्साइज ड्यूटी, उससे ज्यादा कट हम कभी भी नहीं देखेंगे। हालांकि कुछ स्टेट्स में इलेक्शन है लाइक तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम, सो गवर्नमेंट बिफोर इलेक्शन शायद 5 रुपीज, 4 रुपीज, 3 रुपीज का एक एक्साइज ड्यूटी एक कट करे जस्ट फॉर द इलेक्शन पर्पस। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर से गवर्नमेंट इस एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा देगा, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर हम फिस्कल डेफिसिट को देखें तो उस फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट उसे फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को इस रेवेन्यू का बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपको समझा देता हूँ फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। गवर्नमेंट का जो इनकम होता है एक एक्सपेंसेस होता है, अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हो तो उसे डेफिसिट कहते हैं। और इस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए दुनिया भर के गवर्नमेंट क्या करते हैं, या तो वो नए करेंसीज को प्रिंट करते हैं यानी कि डिजिटली करेंसी को क्रिएट करते हैं, या फिर वर्ल्ड बैंक से बहुत ज्यादा लोन लेते हैं। एंड थर्ड होता है कि टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटीज, वैट, इन सारी चीजों को बढ़ा के इस डेफिसिट के टारगेट को फुलफिल करना। इन दैट केस गवर्नमेंट यही कर रहा है, क्योंकि हमारे देश का जो गवर्नमेंट है वो कभी भी एक्स्ट्रा मनी प्रिंट नहीं करेगा एंड वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। ऑलरेडी हमने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है एंड गवर्नमेंट का जो इनकम होता है उसका 20% ऑलरेडी गवर्नमेंट पे कर रहा है एज अ इंटरेस्ट। सो ये फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो उतना ही अच्छा, जितना फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा वही इकोनॉमी के लिए और गवर्नमेंट के लिए डेंजर का साइन होता है। फिस्कल डेफिसिट ना हो तो ही अच्छा होता है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो 2019 में फिस्कल डेफिसिट जो था वो 6.45 लाख करोड़ था, 2020 में 9.3 लाख करोड़, जनवरी 21 में अगर देखें वो 12.34 करोड़ एंड अगर हम प्रेडिक्ट करें मार्च 2021 तक ये फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 15 लाख करोड़ तक चला जा सकता है। सो इन दैट केस गवर्नमेंट को और ज्यादा रेवेन्यू चाहिए एंड गवर्नमेंट का मेन टारगेट है इनकम सोर्सेस को बढ़ाया जाए। जितना ज्यादा इनकम सोर्स बढ़ेगा उतना ज्यादा लोग स्पेंड करेंगे एंड इन दैट केस एक्साइज ड्यूटी भी नहीं घटेगा, क्योंकि अगर एक्साइज ड्यूटी घटता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा एंड गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है एंड गवर्नमेंट फोकस कर रहा है किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीजों के ऊपर और ज्यादा फोकस किया जाए, जहां से जॉब क्रिएशन हो एंड लोगों को ज्यादा इनकम वो दे सके एंड इसीलिए गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है। 2018 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 3.09 लाख करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 2019 में 3.41 लाख करोड़, 2020 में 3.9 लाख करोड़, 2021 में 4.39 लाख करोड़ एंड 2022 तक हम इसे 5.54 लाख करोड़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये हम देख सकते हैं एंड इसीलिए गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट ने नहीं लगा। इन फ्यूचर भी कभी हम जीएसटी नहीं देख सकते हैं पेट्रोल और डीजल, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी लग गया तो वो इस रेट को चेंज नहीं कर पाएंगे एवरी नाउ एंड देन एंड गवर्नमेंट को जब भी रेवेन्यू का एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा तब वो एक्साइज ड्यूटी को नहीं बढ़ा पाएंगे। सो पेट्रोल और डीजल में हम जीएसटी तो कभी नहीं देख पाएंगे ऐसा मेरा मानना है। जीएसटी का जो हाईएस्ट रेट है वो है 28% एंड वही अगर हम पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी देखें सो वो बहुत ज्यादा है। सो जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाने का मतलब है पेट्रोल और डीजल के प्राइस में पे भी हम बहुत ज्यादा करेक्शन देखेंगे एंड इन फ्यूचर भी गवर्नमेंट उसको बढ़ा नहीं पाएगी एंड बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है जो अपना रेवेन्यू का 20% से भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल से ही कमा रहे हैं। सो पेट्रोल और डीजल का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा उसका सीधा सीधा असर लोगों के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब भी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा, तो बहुत सारे लोग जो है
वो ईवी के बारे में बात करी है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल। इन फ्यूचर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए तो पेट्रोल डीजल के ऊपर लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि पेट्रोल इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्राइस है वो पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल से ऑलमोस्ट डबल है, यानी कि लोगों को और ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत ज्यादा कॉपर यूज होता है, एंड जिस तरह से इन मॉडर्न डेज कॉपर का डिमांड बहुत बढ़ गया है, तेजी से कॉपर के प्राइस में भी हम बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देख सकते हैं। अगर इसे आप चार्ट को देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉपर का रेट किस रेट से बढ़ा है, एंड इन फ्यूचर अगर कॉपर का रेट इसी रेट से बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के जो बजट है उसके बाहर हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा ग्रीडी हो चुके हैं, एंड ये ग्रीड भी बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। सो इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट इसी तरह से लोगों को परेशान करता है, सो इन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव हो जाएगा लोगों के पास। लोग ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही बाय करेंगे, जिससे गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत ही घटेगा, जो भी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट तो कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कितना सपोर्ट गवर्नमेंट करेगा ये भी देखने का बात है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।